आप सभी को नमस्कार। मेरा स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। जैसा कि हम आपके सामने पूरा पूरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट का सीरीज लेके आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने कार्बोनेन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सीखा क्या होता है क्या नहीं, फिर हमने कार्बोनेन को सीखा, अब बारी आ गई है कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल में हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट होता नहीं है। बेसिकली हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे तब उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पूरी की पूरी फ्री रेडिकल केमिस्ट्री को अलग से उठा रहे होंगे। पूरी की पूरी फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में आपको एकदम अलग तरीके से उठा रहा होगा, जहां पे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस कार्बन फ्री रेडिकल का समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली हम इसमें वही दोबारा अपनी तीन बातें कर रहे होंगे। सबसे पहले कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है, इसका फॉर्मेशन, फिर दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, और तीसरा हमारे पास कहां-कहां पर किस-किस केमिकल रिएक्शंस में कार्बन फ्री रेडिकल का यूज हो रहा होगा और कहां-कहां पे देखने को मिल पा रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन फ्री रेडिकल की एकदम बेसिक डेफिनेशन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसका नाम है एल्किन। अगर मैं इस एल्किन को लेता हूं तो ध्यान से आपको एक बात गौर करने वाली जो है कि ये जो CH बॉन्ड है ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, ऑलमोस्ट जो डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में जीरो है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड रही होगी, क्योंकि इनका डेल्टा EN का वैल्यू जीरो है। तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि होता क्या है, अगर हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉन्ड पे आकर गिर जाए, अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉन्ड को मिले, तो ये होता क्या है, ये जो एनर्जी होगी वो यहां इस इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होगी, तो सबसे पहले वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। एक समय तक वाइब्रेशन होगा और एक समय के बाद यहां पर वाइब्रेशन होने के बाद यहां पर होमोलिसिस हो रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से हमारे पास यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल का जन्म हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। यह जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है, यह जो चीज हमें मिलकर आ रही है, यह जो स्पीसीज हमें मिलकर आ रही है, इसी को हम लोग नाम देते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जो स्पीसीज है हाईली रिएक्टिव होती है। आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में यह जरूर पता होना चाहिए, यह एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज रही होती है। ड्यू टू दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इसकी तमन्ना होती है टू पेयरिंग करना चाहता है ऑलवेज एक और इलेक्ट्रॉन लेके, इसलिए बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे पहली बात ये कर चुका हूं, तो जो दूसरी बात हमारे पास निकल के आ रही है, यह एक सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज है। जिस तरीके से कार्बोटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज रही होती है, उसी तरीके से यह भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज रही होती है। और फिर अगर मैं अगली बात लेके आऊं, यह न्यूट्रल इन नेचर होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से। आई होप आपको ये सारी ही बातें कार्बन फ्री रेडिकल की बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये बहुत ही थोड़े समय के लिए लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और हाईली रिएक्टिव रहा होता है। ये कुछ बातें आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर बेसिकली मैं आपको समझाऊं, मैं आपको इस मॉडल से समझाऊं, तो ये मॉडल मेरे पास है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहां पर बीच में कार्बन है ब्लैक से, और बाकी सारे ये क्या लगे हुए हैं, इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम लगे हैं। आप ये मान के चलिए, ये अगर एटम लगे हुए हैं तो मान लीजिए मैं यहां पर ये बात करता हूं, यह एक CH बॉन्ड है। तो इस CH बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होंगे, होमोलिसिस करना पड़ेगा। होमोलिसिस मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इक्वल वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा होगा। तो अगर मैं यहां से हटा देता हूं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो होगा, जो कॉन्सेप्ट बच रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से यहां पर बच रहा होगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको यहां पर दिख पा रहा होगा, ये जो ऊपर है खाली है, ये यहां पर पी ऑर्बिटल रहा होगा, ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल रहा होगा, और इसी को हम लोग यहां पर नाम दे रहे हैं। हमारे पास क्या नाम दे रहे हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, ये एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, क्योंकि
यहां पर होमोलिसिस हुआ है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो आप इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूं, ये मैंने यहां पर ऐसा रख दिया है, क्या आप समझ पा रहे हो, ये यहां पर मैंने कुछ ऐसा रख दिया है जिसकी वजह से यह जो इस तरफ है ये जो पर्पल कलर का ये अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड के, और ये जो येलो कलर का ये बाहर की तरफ आ रहा है बोर्ड के, और यह ऑन द बोर्ड है, क्या समझ पा रहे हो। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, यहां पर समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर मैं कार्बन फ्री रेडिकल को कुछ इस तरीके से एकदम अच्छे से बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ही बढ़िया से आपको समझा सकता हूं। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास डैश वाली लाइन है जो कि बिलो द बोर्ड जा रही होगी, और ये अबव द बोर्ड आ रही है हमारे पास वेज वाली लाइन, और ये ऑन द बोर्ड रही होगी। और अगर इस चीज को मैं और अच्छे समझाऊं तो हमारे पास यहाँ पर जो ये पी ऑर्बिटल है ये हमारे पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है। और अब मैं अगर आपको बताऊं इसकी जो हाइब्रिडेशन हमारे पास रही होती है, यह एक sp3 हाइब्रिडेशन हमारे पास आती है कार्बन फ्री रेडिकल की। तो इस तरीके से हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट रहा होता है, और यह ट्राइगोनल प्लेनर रहा होता है क्योंकि हम फ्री रेडिकल को इसको काउंट नहीं करेंगे, यह एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहा होता है, शेप रहा होता है, क्या आप समझ पा रहे हो। सारा कॉन्सेप्ट आपको फ्री रेडिकल का एकदम अच्छे से समझ मारा है, एकदम बढ़िया समझ मारा है, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपको आनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी हम फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म हो रहा होगा, कब कब फॉर्म हो रहा होगा, तो इस चीज की बात कर लें तो इस चीज में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में आप सबसे पहला पॉइंट अगर समझ सकते हैं तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं फोटोलिसिस, हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं फोटोलिसिस, मतलब कि H new मतलब कि यहां पर हमारे पास लाइट रहा होगा, इसी को फोटोलिसिस बोलते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास होती है यहां पर थर्मोलिसिस, दूसरी चीज होती है हमारे पास यहाँ पर थर्मोलिसिस। तो थर्मोलिसिस हम लोग हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर कर रहे हैं, ये ट्राइंगल का सिंबल जस्ट लाइक हीट का सिंबल रहा होता है, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की। तीसरी जो कंडीशन हमारे पास रही होती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज परऑक्साइड कंडीशन। परऑक्साइड अगर हमारे पास कोई भी रहा होगा तो वो पक्का वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करके जा रहा होगा। और चौथी कंडीशन अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर वहां पर गैस फेज है तब भी वहां पर होमोलिसिस के चांसेस होते हैं, मतलब कि होमोलिसिस ऑलवेज leads to the formation of कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है ड्यू टू होमोलिसिस। तो ये कुछ बातें हैं, इनको एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले बात है हमारे पास फोटोलिसिस की। अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे फोटोलिसिस की बात करता हूं तो फोटोलिसिस में होता क्या है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, हमारे पास यहां पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये हमारे पास इसका नाम है एजो आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल, इसका नाम है हमारे पास एजो आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। इसके सामने अगर मैं यहां पर क्या कर दूं फोटोलिसिस मतलब कि एच न्यू लेके आ जाऊं हमारे पास, तो हमारे पास इस वाली कंडीशन में क्या रहा होगा, इस तरीके से, क्या समझ पा रहे हो। यहां पर होता क्या है, यहां पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रही है एक नई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां से एन टू तो बाहर निकल रहा होगा प्लस, लेकिन जिस फ्री रेडिकल का हमें फॉर्मेशन हो रहा होगा वो फ्री रेडिकल हमारे पास रहा होता है यहां पर सी एन, और ये सी और ये एम ई और ये यहां पर एम ई, तो ये हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन रहा होता है, क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हो। ये सारे कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छे से समझते हो चलेगा, तो ये फोटोलिसिस इस तरीके से हमें क्या करता है, फॉर्मेशन करके देता है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एजो विस आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल, आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म रहा होता है वो रहा होता है AIBN। इसका मतलब अगर कहीं पे भी AIBN लिखा हुआ है आप समझ जाना पक्का वहां पर क्या रहा होगा, पक्का वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो पा रहा होगा। तो इतनी सारी बातें हमने बहुत अच्छे से कर ली है, अब ऐसे में एग्जांपल्स आपके सामने बहुत ही सारे ला सकता हूं, बहुत ही सारे मैं आपको बता सकता हूं, और वो एग्जांपल्स क्या क्या है एक बार आप देखना स्टार्ट करिए। देखिए अगर मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स समझाऊं तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें सबसे पहला फोटोलिसिस हो गया। अब अगर दूसरी की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ROCl है, इसके सामने अगर मैं H new लेकर आ रहा हूं, आप H new ले लीजिए या फिर हीट ले लीजिए, दोनों ही वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो यहां से RO.Pl+Cl. इसी तरीके से हमारे पास RONO, इस तरीके से RO.+NO. आ रहा होगा। इसी तरीके से आप यहां पर Cl2 ले लीजिए H new की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी हमारे पास Cl.+Cl. का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा होगा। या फिर आप और क्या करिए, RC डबल बॉन्ड OOC डबल
बॉन्ड ओ आर इस तरीके से ले लीजिए और एच न्यू ले लीजिए, तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, टू आर सी ओ ओ डॉट इसका हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसी तरीके से आप जितने मर्जी चाहें उतने इस तरीके से आप फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन एकदम बढ़िया ही तरीके से यहां पर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। एम ई सी डबल वन डो सी डबल वन डो एम ई, तो यहां पर हमारे पास क्या रहा होगा, इसको आप और अच्छे से चेंज करके कर सकते हो इसको, मतलब सिंपली यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो। चलिए कॉन्सेप्ट हमारे पास सारा सेम रहता है, इसको आप हटाई दीजिए यहाँ से, इतना हमारे पास एग्जांपल्स काफी है ताकि मैं तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पर उठा सकूं। तीसरा अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये हमारे पास फोटोलिसिस हो गया, दूसरा आप इसी में थर्मोलिसिस भी समझ जाना कि एच न्यू की जगह आप हीट लगा लीजिए तो सारे कॉन्सेप्ट वही रहे होंगे। अगर मैं आपसे तीसरे की बात करता हूँ तो तीसरा हमारे पास रहता है परऑक्साइड कंडीशन, तीसरा हमारे पास रहता है परऑक्साइड कंडीशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परऑक्साइड जो रहते हैं, एक तो हमारे पास H2O2 होता है, दूसरा हमारे पास R O O R एल्काइल परऑक्साइड रहे होते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे परऑक्साइड चेंज कर सकते हो, PH C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड परऑक्साइड लिंकेज होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड O PH डाई बेंजोइल परऑक्साइड, इसका नाम है डाई बेंजोइल परऑक्साइड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, PH C डबल बॉन्ड O का होल्ड ट्वाइस, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो सिंपल सा, इस तरीके से ओ बाहर आ जाएगा, मतलब ओ यहां पर ओ ट्वाइस हो जाएगा तो का होल्ड ट्वाइस हो जाएगा, पी एच सी ओ का होल्ड ट्वाइस, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा होगा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल के। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके बाद एक लास्ट बात और बताता हूँ कहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म हो पा रहा होगा। आपको सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए बहुत अच्छे से, सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, वो क्या रहा होता है, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास रहा होता है, ये हमारे पास यहाँ पर सक्सिनिक एसिड रहा होता है और इसका रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के मॉलिक्यूल से कर दूँ NH2 और यहाँ पर H NH2 इस तरीके से, तो यहाँ से वाटर क्या होता है रिमूव हो जाता है, इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास कुछ ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होता है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से N H और H, अब करना क्या है आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, यहाँ से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए जिससे आपका फॉर्मेशन क्या हो रहा होगा, आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा होगा। जैसे ही ये फॉर्मेशन हो जाएगा वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर दीजिए Br2 का अटैक करवा दीजिए, तो यहाँ से जो N पे नेगेटिव है ये नेगेटिव इस Br पे जाएगा और ये Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास समझ में आ रहा होगा इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे NBr, इसी को हम लोग बोलते हैं NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह करता क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, यह एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह एलाइलिक NBS करता क्या है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कर रहा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको आगे यूज होने वाली है, आगे काम में आने वाली है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दुनिया में सबसे पहला जो फ्री रेडिकल डिटेक्टेड हुआ था वो था ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, मतलब कि तीन फिनाइल रिंग लगी थी उस कार्बन के जस्ट बगल में और वो फ्री रेडिकल हुआ था। यह दुनिया का सबसे पहला फ्री रेडिकल जो कि डिटेक्टेड किया गया था विद द हेल्प ऑफ Cl डॉट, वहां पे AgCl बाहर निकल गया था, विद द हेल्प ऑफ Ag डॉट वहां पे Cl डॉट बाहर निकल गया था और हमारे पास ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल पहला दुनिया का फ्री रेडिकल है जो कि डिटेक्टेड किया गया था और यह क्लेडन में बहुत ही अच्छे से साफ साफ सुनहरे अक्षरों में बताया गया है। अब मैं अगर आपसे आगे बात करता हूं तो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझते हुए चलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं क्या आप किसी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कॉन्सेप्ट से बता पाएंगे, तो आप यहाँ पर ये देखिए जो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल होता है यह एक सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रही होती है, सबसे पहली बात तो यह है, तो इसका मतलब जो हमारे पास होता है कि 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी नॉट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप कभी भी एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट से कभी भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते हो, क्या समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करता हूं यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब इससे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे जैसे कि हमारे प्लस रहा होता है प्लस आर
प्लस एच और प्लस आई, तो इसका मतलब वो सारे के ही सारे फ्री रेडिकल क्या रहे होंगे, स्टेबल हो पा रहे होंगे क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही होगी अच्छे तरीके से, वहां पर फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ले पा रहे होंगे थ्रू दीस ग्रुप्स। अब ये तो हमारे पास पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करता हूं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब उतनी ज्यादा बड़ी साइज। क्या मतलब, इस चीज को समझाऊं, अगर इस चीज को मैं एग्जांपल समझाऊं तो एग्जांपल है हमारे पास एफ डॉट सी एल डॉट br डॉट और i डॉट। मैं आपसे पूछूं, बताइए इन सभी फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो आप यहां पर बस साइज चेक कर लिए, जिसकी साइज ज्यादा उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा। यह रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। और अगर h डॉट की बात करता हूं तो h डॉट सबसे लास्ट में आ जाएगा साइज के मामले में। इस तरीके से हमारे पास ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं। अगर मैं अब आपसे अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मान लीजिए मैं आपको फ्री रेडिकल बताता हूं, एक है बेंजाइल फ्री रेडिकल और एक है एलाइल फ्री रेडिकल और फिर है हमारे पास एल्काइल फ्री रेडिकल, और एल्काइल में है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर एकदम इसी पैटर्न में रहा होता है। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एलाइल फ्री रेडिकल और फिर एल्काइल फ्री रेडिकल। क्यों? रीजन रहा होता है क्योंकि इन दोनों में हमारे पास क्या वर्क कर रहा होता है, रेजोनेंस वर्क कर रहा होता है। इन दोनों में हमारे पास रेजोनेंस वर्क कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छे से मिल पा रही होती है, ज्यादा अच्छे से डेंसिटी बढ़ पा रही होती है। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और यह भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो यहां पर हम जो फैक्टर से बता रहे होंगे वो फैक्टर रहे होंगे एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इंडक्टिव, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक हमारे पास इंडक्टिव। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस फैक्टर से हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट जाते जाते एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई फ्री रेडिकल है कुछ इस तरीके से, और मान लीजिए एक फ्री रेडिकल आपके पास है कुछ इस तरीके से, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए इन दोनों फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा रहा होगा? तो यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर आप देखोगे ए डबल बॉन्ड बी सी पे फ्री रेडिकल है ना, इस तरीके से ये पूरा यहां से लेके यहां तक कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां से लेके इस एटम तक, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि इसका जो यहां पर फ्री रेडिकल है वो 5 एटम पर डिस्पर्स होगा और इसका जो फ्री रेडिकल है ये एक क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पे 3 एटम में और यहां पर 3 एटम में। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर हो रहा है लीनियर कॉन्जुगेशन, यहां पर हो रहा है लीनियर कॉन्जुगेशन, और अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं तो यहां पर हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आप हमेशा याद रखना कि लीनियर कॉन्जुगेशन इज मच इफेक्टिव देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये वाला फ्री रेडिकल हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वाले फ्री रेडिकल, क्योंकि इसका जो फ्री रेडिकल है वो 5 एटम पे डिस्पर्स हो पा रहा है, 5 एटम पे अच्छी तरीके से उसको फैल पा रहा है, तो इसलिए ये लीनियर कॉन्जुगेशन बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव रहा होगा एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास कुछ बातें रही होती हैं, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट रहे होते हैं। तो अभी तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने कार्बन फ्री रेडिकल में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है, आप सब कुछ भूल जाना लेकिन एक बात मत भूलना, कार्बन फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जल्दी बताइए, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही फॉर्म होते हैं वैसे ही रिएक्ट करने की फिराक में रहते हैं, वैसे ही अपने आप को पेड करने की फिराक में रहे होते हैं। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। और फिर हम उसके अगले बात अगला पॉइंट हमने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जिसमें दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, एक तो हमारा रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव तो वर्क करता ही है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप ऑलवेज इसको फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर वर्क करता है साइज, जितना बड़ा साइज उतना बढ़िया तरीके से वहां पर फ्री रेडिकल स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम रिएक्शंस के अंदर काम आने वाले हैं, रिएक्शन के अंदर यूजफुल होने वाले हैं।